हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट एंड दिस इज कौशल किशोर शर्मा। दोस्तों, आज की जो क्लास है काफ़ी खास होगी, क्योंकि आज की क्लास में बना रहा हूँ एमपी टेट से रिलेटेड। आज यहाँ पर हम कुछ इंपोर्टेंट चीज़ों को बताएंगे, और आज की जो इंपोर्टेंट चीज़ें हैं उनमें आपके लिए लेकर के आया हूँ मैं कि यूज ऑफ इन एट ऑन, यानी कि इन एट ऑन का प्रयोग किस तरह से हम करें और किसके लिए, पोजीशन की स्थिति में, यानी कि जो प्रपोजिशन होते हैं पोजीशन वाले इन एट ऑन, उनका यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे। तो चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले एट, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि एट प्रपोजिशन का प्रयोग पोजीशन से पहले किस तरह से या किस रूल में, किस सेंस में किया जाता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ए पॉइंट, यानी कि डेफिनेट पॉइंट से पहले एट प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, पोजीशन से पहले। जैसे पॉइंट कौन कौन से हैं, एट द डोर, जैसे ही इज एट द डोर, तो एट द डोर क्या है, ए पॉइंट, ये पॉइंट है, ये पोजीशन किस तरह की बता रहा है, पॉइंट वाली। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं एक आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ कि एट द डोर भी होता है, लेकिन ऑन द डोर का प्रयोग भी किया जाता है सेंटेंस में। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ऑन द डोर यूज होना है या फिर एट द डोर यूज होना है, तो देखिए आप इस तरह से याद रखें कि जब भी कोई चीज़ दरवाजे पर लगी हो, जैसे डोर बेल होती है हमारी, जो डोर बेल होती है, चाहे नेम प्लेट हो, स्टिकर हो, कोई भी चीज़ दरवाजे पर जो लगी होगी, तब यूज किया जाता है ऑन, ऑन द डोर। जैसे अवर नेम प्लेट इज ऑन द डोर, है ना, एट द डोर नहीं होगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति दरवाजे से बाहर खड़ा होगा, तो प्रपोजिशन यूज किया जाता है एट। इस बात को याद रखना कि ऑन द डोर भी होता है और एट द डोर भी यूज किया जाता है। चलिए सेकंड है एट द बस स्टॉप। तो एट द बस स्टॉप क्या है, एक पॉइंट वाला पोजीशन वाला प्रपोजिशन है यहाँ पर एट, ठीक है, यानी पोजीशन बता रहा है किस तरह की, एक पॉइंट के रूप में। ओके, नेक्स्ट है आपका ही सैट एट द डेस्क। तो एट द डेस्क होता है, आप इस तरह से याद कर लें, एट द टेबल होगा, ठीक है। लेकिन टेबल के ऊपर बैठे होंगे ना, जब आप कहाँ बैठे होंगे, आप टेबल के ऊपर बैठे होंगे तो ऑन द टेबल होता है, या टेबल के ऊपर कोई चीज़ रखी हो तो ऑन द टेबल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन टेबल सामने और यहाँ पर आपकी स्टूल या कुर्सी हो, तब आप यहाँ बैठे होंगे तो क्या होगा, तो ऐट द टेबल होगा इस कंडीशन में। चलिए अब देखते हैं स्पेशल प्लेसेस, कुछ स्पेशल प्लेसेस होते हैं उनसे पहले आपको ऐट प्रपोजिशन का प्रयोग करना होता है। जैसे ही इज एट द सिनेमा, ही इज एट द सिनेमा का मतलब है टू सी ए मूवी, यहाँ पर यानी वो क्या कर रहा है, वो फिल्म देख रहा है, ये अर्थ आएगा। नेक्स्ट देखिए ही इज एट द एयरपोर्ट, वह एयरपोर्ट पर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि या तो वह प्लेन से जा रहा है या फिर वहाँ पर किसी दोस्त से मिलने गया है, एट द एयरपोर्ट होता है। तो आप याद कैसे करना है, एट द एयरपोर्ट होता है, एट द सिनेमा होता है, इस तरह से। और देखिए नेक्स्ट है आपका वर्क, होम एंड स्कूल, इनसे पहले, सबसे पहली बात तो इनसे पहले आपको द आर्टिकल का यूज नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या है सेंटेंस, आई वाज एट वर्क, एट द वर्क नहीं होगा, आई वाज एट वर्क, या फिर आप ऐसे याद करें बी एट वर्क होता है। बी एट वर्क का मतलब बी वर्क, और बी वर्क क्या होती है, इज एम आर वाज वर्क, जब भी सेंटेंस में इज एम आर वाज वर्क हो और उसके बाद लिखा हो वर्क, तो बिना द आर्टिकल के एट प्रपोजिशन का यूज किया जाएगा। इसके आगे देखिए एट होम होता है, ठीक यही फ्रेज है आपका बी एट होम, इस तरह से याद कर लें। बी एट स्कूल यस्टरडे, यानी आई वाज एट वर्क, आई वाज एट होम, आई वाज एट स्कूल, नॉट द स्कूल, यहाँ पर द आर्टिकल का यूज किसी में भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। और कुछ स्पेशल इवेंट्स होते हैं, स्पेशल इवेंट्स होते हैं, इनसे पहले भी एट प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। किस तरह से किया जाता है, चलिए देख लेते हैं। सेंटेंस है आपका ही इज एट द पार्टी, एट द पार्टी होता है, आप ऐसे याद रखें, एट ए मैच होगा, एट ए वेडिंग होगा, एट्सेट्रा। तो इस तरह से जो स्पेशल इवेंट्स होते हैं उनसे पहले भी पोजीशन बताने के लिए एट प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। चल और देखते हैं फुल एड्रेस, जब भी हम कहीं फुल एड्रेस लिखते हैं
तो उस एड्रेस से पहले आपको एट प्रपोजिशन लगाना होता है, जिसमें आपका क्या आता है, सबसे पहले तो मान लीजिए आपकी डिस्ट्रिक्ट है, फिर आपकी सिटी है, फिर सिटी में भी आप मोहल्ला दे देते हैं, मोहल्ले से पहले भी आप स्ट्रीट वगैरह लिख देते हैं। तो जब स्ट्रीट लिखते हैं तो उससे पहले आपको एट प्रपोजिशन का प्रयोग करना होगा। आई लिव एट 7 बर्टन रोड, तो ये क्या है, ये स्ट्रीट का नाम है और स्ट्रीट से, और ये मकान नंबर है आपका, हाउस नंबर। तो जब फुल एड्रेस लिखेंगे आप कहीं तो उससे पहले आपको एट प्रपोजिशन का प्रयोग करना होगा। और देखते हैं कहाँ पर एट का यूज किया जाता है, रेल प्लेटफॉर्म्स, जितने भी रेलवे प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनसे पहले भी आपको एट प्रपोजिशन का यूज करना है, जैसे ट्रेन्स वाले प्लेटफॉर्म, द ट्रेन इज एट प्लेटफॉर्म 7। अब ये प्लेटफॉर्म 7 सही है या नहीं है, सबसे पहले तो इसका कमेंट बॉक्स में आप करके बताइए कि प्लेटफॉर्म 7 है, हम क्या ऐसे कह सकते हैं 7th नंबर प्लेटफॉर्म या 7 प्लेटफॉर्म, या प्लेटफॉर्म 1 बोलते हैं, प्लेटफॉर्म 2 बोलते हैं, तो क्या 1 प्लेटफॉर्म या 2nd प्लेटफॉर्म इस तरह से बोल सकते हैं। इसके लिए मैं आपको सिंपल सा रूल बताऊँ कि नाउन प्लस नंबर ये लिखने का होता है तरीका, और इसके पहले नहीं आएगा आर्टिकल द, याद कर लो, नाउन प्लस नंबर आता है ना कि नंबर के पहले नाउन आएगा, ठीक है। आप कई लोग ऐसे कहते हैं कि मैं 2nd क्लास में हूँ, 3rd क्लास में हूँ, तो 3rd मतलब आपका पहले क्या आ जाता है, नंबर आ जाता है, फिर क्लास आपका नाउन आता है, तो ये बोलने का जो तरीका होता है ना वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि नाउन के बाद आपका नंबर यूज किया जाता है और उससे पहले आपको आर्टिकल दा नहीं लगाना है। आपको लग रहा होगा कि ये तो डेफिनेट है, तो डेफिनेट आर्टिकल क्यों नहीं आ सकता प्लेटफॉर्म 7 से पहले दा, इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि नाउन प्लस नंबर से पहले आपका आर्टिकल दा का यूज नहीं किया जा सकता। जैसे हम कहें 7 नंबर रूम, होटल में आप गए तो क्या कहेंगे, 7 नंबर रूम, बट ऐसे नहीं, रूम 7, क्या बोलेंगे उसे, रूम 7, लेकिन इससे पहले आप आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए आगे देखते हैं सी साइड, सी साइड से पहले भी आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है, किस तरह से किया जाएगा, एट द सी साइड, वी आर एट द सी साइड, ऑन द सी साइड, इन द सी साइड, नॉट, इस तरह से नहीं हो रहा, सी साइड से पहले आपको, और ये कौन सा प्रपोजिशन है एट यहाँ पर, प्रपोजिशन ऑफ पोजिशन, यानी इन एट ऑन का यूज यहाँ पर हम पोजिशन बताने के लिए यूज कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, फ्रेज हैं आपको याद करना होगा, टॉप, बॉटम, एंड, इनसे पहले हमेशा एट आता है, ऐसे याद कर लो, एट द टॉप ऑफ समथिंग, एट द बॉटम ऑफ समथिंग, एंड एट द एंड ऑफ समथिंग, ठीक है। लेकिन इन द एंड होता है, इन द एंड, और इसके बाद कुछ नहीं हो रहा, बस फिनिश, लेकिन एट द एंड ऑफ हो रहा तो इसके बाद आपका नाउन हो रहा, एट द बॉटम ऑफ द हिल, एट द टॉप ऑफ द पेज, नाउन आपको मिलेंगे। तो याद करो कि ये पूरा प्रपोजिशनल फ्रेज एट द टॉप ऑफ, यानी टॉप से पहले एट और फिर आएगा ऑफ, यहाँ पर भी एट फिर ऑफ, ये आपको याद करना होगा, एट द टॉप ऑफ समथिंग, एट द बॉटम ऑफ समथिंग, एंड एट द एंड ऑफ समथिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे हो गए आज अभी इसमें एट प्रपोजिशन का प्रयोग, ठीक है ना, और किसके लिए, पोजिशन बताने के लिए। अब हम लेते हैं अपने इन प्रपोजिशन का प्रयोग पोजिशन बताने के लिए कहाँ पर करेंगे। तो देखें, इन प्रपोजिशन का प्रयोग एरिया बताने के लिए किया जाता है, क्या बताने के लिए किया जाएगा, एरिया, किस तरह से, ही इज इन इंग्लैंड, यानी वह इंग्लैंड में है, और नॉर्मली आप ऐसे याद कर लो, कंट्री के नाम से पहले आपको यूज क्या करना होता है, इन प्रपोजिशन का प्रयोग करना होता है। इन द साउथ होता है, इन द पार्क, बिल्कुल, अब यहाँ पर क्या है, एक एरिया होता है पर्टिकुलर, इसके बीच में आप कहीं भी हो, मान लो ये पार्क है, तो आपको यहाँ पर इन प्रपोजिशन का ही प्रयोग करना होगा। दोस्तों क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताते जाना, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे आप तो इसकी हेल्प ले ही रहे हैं, आपको सीख ही रहे होंगे और दोस्त भी आपके कुछ सीख सकें। चलिए आगे देखते हैं, रूम्स और बिल्डिंग ले लो, यहाँ पर भी आपको इन प्रपोजिशन का प्रयोग करना पड़ेगा, कहाँ पर, हमेशा इन द किचन होता है, इन द सिनेमा होता है, यानी सिनेमा के अंदर हो तो इन द सिनेमा, ठीक है, ही इज इन द सिनेमा, इन द किचन, यानी कि इन द सिनेमा का मतलब क्या हो रहा है, इनसाइड द बिल्डिंग, और यदि हम लिखें एट द सिनेमा, एट द सिनेमा, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप सिनेमा से बाहर खड़े हो, किसी का इंतजार कर रहे हो,
है ना, जैसे आई एम वेटिंग वेटिंग फॉर यू एट द सिनेमा, एट द टेम्पल, इस तरह से। और इन द टेम्पल बोल देंगे तो कहाँ पहुँच जाओगे आप, मंदिर के अंदर, यानी इनसाइड द बिल्डिंग हो जाओगे आप। अंदर जाओगे तो इन का यूज किया जाएगा, बाहर वेट कर रहे होगे तो एट प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक इसी तरह ही इज इन द प्रिजन, वह जेल में है, हॉस्पिटल में है, लेकिन इनसे पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करना है। इनसे पहले प्रिजन, हॉस्पिटल, चर्च, यूनिवर्सिटी, टेम्पल, याद कर लो, ये कुछ ऐसे नाउंस हैं जिनसे पहले सामान्य तरीके से आपको द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। किसका यूज नहीं करना है? द, विदाउट द के यूज किए जाते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि इनसे पहले आर्टिकल्स आते नहीं है, यानी द आर्टिकल का यूज होता नहीं होता। मैं आपको बताऊंगा एक कोई क्लास लेके, या आपको समझना हो तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं इस पर एक क्लास बहुत अच्छी बनाऊंगा कि आपके प्रियन, हॉस्पिटल, चर्च, यूनिवर्सिटी, टेम्पल, इनसे पहले कब आर्टिकल यूज किया जाएगा द, और कब यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, ए का यूज भी किया जा सकता है, वो कैसे किया जाएगा यदि कमेंट करोगे तो, इस पर भी ज़रूर मैं आपको एक क्लास ले लूँगा। चलिए आगे देखते हैं आपके कंटेनर्स, जितने भी कंटेनर्स होते हैं, कंटेनर मतलब चारों तरफ से कवर हैं और बंद हो सकते हैं, वो सब आपके मतलब कंटेनर की तरह होते हैं। तो इनसे पहले आपको इनका प्रयोग करना है, यानी कोई चीज़ चारों तरफ से कवर हो और उसके अंदर कोई चीज़ हो, वो किसी भी तरह की हो, तो प्रपोजिशन का यूज किया जाएगा, इनका प्रयोग किया जाएगा। जैसे इन द कबर्ड, इन माई पॉकेट, इस तरह से। कार की बात करें, आई एम इन द टैक्सी, एंड सी इज इन बेड होता है, सी इज इन बेड, बेड से पहले भी इनका यूज किया जाता है। और देखें रोड्स, स्ट्रीट्स, सिटीज, इनसे पहले आपको क्या यूज करना होगा, इन प्रपोजिशन, जैसे आई लिव इन बार्टन रोड, लेकिन यहाँ पर हम हाउस नंबर दे दें, अभी क्या दे दें, हाउस नंबर, तो यहाँ पर प्रपोजिशन चेंज हो जाएगा। फिर क्या यूज किया जाएगा, फिर एट प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। जब फुल एड्रेस की बात होती है तो एट प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। इन लंदन, मैंने बोला है कि इनके बाद आपकी कंट्री आती है, या इनके बाद आपका बड़ा टाउन या बिग सिटीज आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है वाटर, यानी जो एरिया होता है ना पानी वाला, जैसे आपके रिवर्स हैं, ओशंस हैं, सी हैं, तो इनसे पहले भी आपको क्या यूज करना होता है, इन, जैसे द आइलैंड इज इन द पेसिफिक, यानी जो आइलैंड है वो पेसिफिक ओशियन में है, यानी चारों तरफ से कवर किए हुए उसके बीच में। ही स्वाम इन द रिवर, वह नदी में तैरा, नदी के अंदर तैरा, है ना, इस तरह से। आज ये देखिए मिडिल, याद कर लो, मिडिल से पहले आता है इन, इन द मिडिल ऑफ समथिंग। अब इससे पहले आया था आपका एट द टॉप, एट द टॉप ऑफ समथिंग, एट द बॉटम ऑफ समथिंग, और एट द एंड ऑफ समथिंग, ठीक है, लेकिन इन द मिडिल होता है, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एट द टॉप, एट द बॉटम, एट द एंड, लेकिन इन द मिडिल होता है। जैसे मान लो एक कॉपी का कोई पेज है, सबसे ऊपर क्या है टॉप, तो एट द टॉप, सबसे नीचे क्या है बॉटम, एट द बॉटम, वो बीच में क्या हो रहा, इन द मिडिल, तो यहाँ पर आपको इन प्रपोजिशन का प्रयोग करना होगा। चलो अब देखते हैं ऑन प्रपोजिशन का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो ऑन का प्रयोग करेंगे सरफेस से पहले। सरफेस, जैसे कोई टेबल है आपकी और उस टेबल के ऊपर कोई चीज़ है, तो ये क्या हो गया, टेबल का सरफेस हो गया। जैसे मान लो ये आपका एक रूम है, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मान लो ये आपका रूम है, रूम में यहाँ पर टेबल रखी हुई है, टेबल के ऊपर कोई चीज़ है, तो क्या यूज किया जाएगा, ऑन द टेबल, ठीक है। दीवार पे पिक्चर टंगी हुई, दीवार पर, तो क्या यूज किया जाएगा, ऑन द वॉल। फर्श पर कोई चीज़ है, तो क्या यूज किया जाएगा, ऑन द फ्लोर। सीलिंग पर कोई चीज़ हो, तो क्या हो रहा, ऑन द सीलिंग। इस तरह से याद करो कि जो चीज़ जब किसी चीज़ के ऊपर सरफेस पर हो, तो उससे पहले आर्टिकल, सॉरी, तो उससे पहले प्रपोजिशन ऑन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद मैं अभी आपको बता रहा था पेजेस के बारे में, पेज के लिए देखिए आप किस तरह से यूज करें। जैसे किसी ने पूछा सर कौन से पेज नंबर पे ये मुझे सेंटेंस मिलेगा, तो क्या बोलते हैं, ऑन पेज 25। रूल देखो वही है, नाउन प्लस नंबर आ रहा है, जो मैंने अभी पीछे बताया है, क्या बताया, नाउन प्लस नंबर लिखा जाता है, ठीक है ना, इसे हम चेंज नहीं कर सकते, और इससे पहले आर्टिकल भी दाल का यूज नहीं किया जाता। ऑन पेज 25 होगा, यानी ऑन द फ्रंट पेज, इस तरह से बोल सकते हैं आप, ऑन द फ्रंट पेज।
पेज में कोई चीज़ है तो ऑन, इन नहीं हो रहा। लेकिन किताब की बात हो रही होगी तो इन द बुक होता है, याद रखें, हमेशा इन द न्यूज़पेपर होता है, लेकिन पेज की बात करेंगे तो ऑन द पेज हो रहा। इसके बाद देखें ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट से पहले क्या यूज किया जाता है, ऑन प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाए, जैसे ऑन द ट्रेन, ठीक है, ऑन द प्लेन, ऑन द बस। यहाँ पर ये लगे हुए हैं डिटरमाइनर्स, याद करो, इसीलिए ये ऑन यहाँ पर आ रहे हैं। यदि यहाँ डिटरमाइनर्स नहीं होते ना, तो बाई, ट्रांसपोर्ट से पहले बाई का यूज हो जाता, जैसे आई केम हियर बाई बस, याद रखना, बाई बस, बाई साइकिल, सॉरी, ऑन ऑन ए साइकिल होता है, बाई बाइसाइकिल हो रहा है ना, ऑन बाई कार हो रहा, बाई ट्रेन हो रहा, लेकिन ऑन द ट्रेन भी होता है भाई। तो ये क्या आ गया, डिटरमाइनर आ गया। इस डिटरमाइनर को याद करो, इन आर्टिकल को याद करो, या कोई भी डिटरमाइनर आपको यहाँ मिल सकता है, उससे पहले आपका बाई नहीं आएगा, बाई के बाद सीधा ट्रांसपोर्ट आता है, बीच में कोई डिटरमाइनर यूज नहीं किया जाता है। लेकिन इस तरह से ही पॉसिबल है, ऑन ए हॉर्स होता है, याद कर लो, हॉर्स से पहले ऑन का यूज होता है, ऑन ए बाइक होता है, ऑन फुट होता है, आप इस तरह से याद करें। फ्लोर ऑफ बिल्डिंग्स, बिल्डिंग की जितनी फ्लोर होती है ना, उनसे पहले हमेशा क्या यूज किया जाता है, ऑन प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। किस तरह से, ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द सेकंड फ्लोर, ऑन द थर्ड फ्लोर, ऑन द फोर्थ फ्लोर, यानी फ्लोर से पहले, जो बिल्डिंग के फ्लोर्स होते हैं उनसे पहले ऑन प्रपोजिशन आता है। नेक्स्ट है रेल प्लेटफॉर्म्स, जो रेल प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, जहाँ पर लोड खड़े होते हैं ना, जहाँ पर लोड होते हैं, वो प्लेटफॉर्म, और एक होता है प्लेटफॉर्म जहाँ ट्रेन आती है, तो दोनों में प्रपोजिशन डिफरेंट यूज हो जाए। जहाँ ट्रेन आती है जिस प्लेटफॉर्म पर, उससे पहले आता है एट, और लोड जहाँ खड़े होते हैं उससे पहले आता है ऑन। आई वेटेड ऑन प्लेटफॉर्म 7, एट प्लेटफॉर्म 7 नहीं हो रहा, वहाँ पर ट्रेन आएगी, ठीक है, इस तरह से याद करना। वाटर के लिए देखें, सरफेस, वाटर के जो सरफेस होता है ना, उस पर कोई चीज़ होगी तो क्या आएगा, ऑन का यूज हो रहा, जैसे द शिप इज ऑन द लेक हो रहा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिवर्स एंड कोस्ट, जो नदी हैं और उसके जो किनारे हैं, उनसे पहले ऑन का यूज किया जाता है, जैसे लंदन इज ऑन द थेम्स, थेम्स रिवर पर लंदन बसा हुआ है। नेक्स्ट है अवेडिन इज ऑन द कोस्ट, तो ऑन द कोस्ट मतलब किनारा, समुद्र का किनारा, इससे पहले भी ऑन का यूज होता है। इसके अलावा देखें टॉप बॉटम एंड, ये सरफेस की बात हो रही है ना, तो इससे पहले आपका ऑन का यूज किया जाएगा, जब सरफेस की बात हो रही तो, जैसे द हेलीकॉप्टर इज ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो ये सरफेस की बात हो रही है, कि जो बिल्डिंग का जो ऊपर टॉप का सरफेस है उसके ऊपर है। तो दोस्तों आज की क्लास में मैं इतना ही रखता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर इन एट ऑन के यूज समझ में आए होंगे, और यदि कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं कि इंग्लिश पॉइंट की लाइव क्लासेस अन अकेडमी प्लस कोर्सेज पर भी स्टार्ट हो रही है। यदि आप में से जितने लोग अन अकेडमी की मेंबरशिप लेना चाहें, और वहाँ पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, सर्च करें कौशल किशोर शर्मा, और यदि आप वहाँ पर किसी भी कैटेगरी का प्लस कोर्स ज्वाइन करते हैं, तो हमारे इंग्लिश पॉइंट रेफरल कोड को आप यूज करके 10% का आपको वहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों आज की क्लास में इतने रखते हैं, उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।